हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जो कि आपको यूट्यूब के ऊपर किसी ने भी नहीं बताया होगा। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं कि बैटरी अगर आप लेते हैं तो उसकी जो वारंटी होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं और क्या क्या चीज़ें कवर नहीं होती। सो इन डिटेल आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बैटरी की वारंटी टर्म्स के बारे में। सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे अपकमिंग अपडेट्स आप लोगों से मिस ना हो। सो गाइस, आपको वारंटी टर्म समझाने के लिए मैं हेल्प लूंगा यहाँ पर लिवगार्ड बैटरी की, जिसके वारंटी कार्ड के अंदर सारी डिटेल्स पूरी मेंशन है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सारी कंपनीज का जो वारंटी क्राइटेरिया होता है, क्या चीज़ कवर होगी क्या चीज़ नहीं होगी, वो सभी का सेम होता है। सो यहाँ पर लिवगार्ड के जो वारंटी कार्ड है इसके अंदर सब कुछ इन डिटेल लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जो वारंटी है वो हमारी कैलकुलेट होती है फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लस 3 महीने एक्स्ट्रा, मतलब जो भी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है उसके 3 महीने बाद से स्टार्ट हो जाती है या फिर डेट ऑफ सेल से स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर आपको कोई भी टेंशन वगैरह लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, डेट ऑफ सेल से जो वारंटी है वो स्टार्ट हो जाती है। साथ ही जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अगर आपके वारंटी के अंदर जो चीज़ मेन कवर अप होती है वो है अगर बैटरी के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है या फिर पुअर मैन्युफैक्चरिंग की वजह से या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से अगर वारंटी खराब हो जाती है तो सारी चीज़ें कवर अप होती हैं। थर्ड चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर कभी भी कोई कंप्लेंट आती है तो आपको बैटरी को कोई भी जो लिफ्टकार्ट का सर्विस सेंटर है या फिर जो डीलर है ऑथराइज डीलर जहाँ से आपने परचेज करी है आपको उनके पास इसको लेकर जाना है और वहां पर जाकर आपको वारंटी कार्ड और बिल सबमिट करना है। उसके बाद आपको वो लोग जो रिप्लेसमेंट है वो ऑफर करवा देंगे। सो ये चीज़ याद रखें कि हमेशा ऑथराइज सेंटर से ही बैटरी को परचेज करें। नेक्स्ट चीज़ आती है रिचार्जिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिचार्जिंग के लिए लिखा हुआ है कि जो बैटरी की रिचार्जिंग है वो अलग से यहाँ पर कॉस्ट की जाएगी अगर रिचार्ज होती है तो। सो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो बैटरी है अगर वो डाउन हो जाती है आपकी बाइक के फॉल्ट की वजह से, मीन्स आपकी जो बाइक का या फिर स्कूटी का चार्जर अगर कभी काम नहीं करता है तो बैटरी जो है लो हो जाती है, जिस केस के अंदर बैटरी को रिचार्ज करवाना पड़ता है। सो उस कंडीशन के अंदर जो है डीलर या फिर कंपनी के पास अगर बैटरी जाती है तो वहां पर आपको चार्जिंग के पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि जो बैटरी है वो डाउन हुई है आपके बाइक के फॉल्ट की वजह से। सो ये चीज़ हमेशा याद रखें। काफ़ी कस्टमर्स हमारे पास भी आते हैं वो बोलते हैं हम चार्जिंग के पैसे नहीं देंगे, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आप साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी ने भी साफ लिखा हुआ है कि जो रिचार्जिंग के पैसे हैं वो आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। नेक्स्ट चीज़ आती है इसकी वारंटी के बारे में। अगर 24 महीने के अंदर ही बैटरी खराब होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट मिलती है और 24 महीने के बाद आपको प्रो रेटा बेसिस के ऊपर डिस्काउंट देके दूसरी बैटरी ऑफर की जाती है। जब 24 महीने के अंदर ही बैटरी खराब होती है तो आपको पुरानी सबमिट करनी पड़ती है कंपनी के पास और आपको एक नई बैटरी ऑफर की जाती है। नेक्स्ट चीज़ आती है इसकी रिप्लेसमेंट के बारे में ही। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर बैटरी उनकी 6 महीने के अंदर ख़राब हो गई और दूसरी बैटरी उनको मिल जाती है तो जो 6 महीने के बाद से उनकी वारंटी अगेन स्टार्ट होगी, पर ऐसा नहीं होता। जब आपने इस बैटरी को ओरिजिनली परचेज किया होगा तब से आपकी जो वारंटी है वो स्टार्ट हो चुकी है, चाहे उसके बाद आपकी बैटरी एक बार रिप्लेस हो जाए चाहे 2 बार रिप्लेस हो जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी के अंदर 24 महीने के अंदर अगर आपकी बैटरी कभी भी रिप्लेस होती है तो आपकी फ्रॉम द डेट ऑफ सेल जब आपने पहली बार परचेज की है तभी से इसकी वारंटी स्टार्ट रहती है। अगर प्रो रेटा वारंटी के अंदर कभी बैटरी खराब होती है तो उसके बाद आपको अगेन वारंटी नहीं मिल जाती है 4 साल की, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें। सो ये थी सारी वारंटी की बात कि आपको क्या क्या चीज़ें कवर अप होती हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें वारंटी के अंदर कवर अप नहीं होती, जिसके बारे में आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं। सो यहाँ पर आप पहली चीज़ पढ़ सकते हैं कि जो बैटरी है अगर वो बैटरी किसी अदर एप्लीकेशन के अंदर आप लगाते हैं, मीन्स ये जो बैटरी है ये बेसिकली 4 वाली है जो इसका मॉडल नंबर है और ये एक्टिवा वगैरह में ज़्यादातर लगती है, मेस्ट्रो ओल्ड जनरेशन के अंदर, और ज़्यादातर ये सल्फर स्कूटीज़ के अंदर लगती है। सो अगर आप इस बैटरी को किसी ऐसी एप्लीकेशन के अंदर लगाते हैं जो कि कंपनी अलाउड नहीं करती तो वहाँ पर जो इसकी वारंटी है वो डिनाई हो जाएगी, उसको कंपनी वारंटी नहीं ऑफर करेगी। सो हमेशा याद रखें कि जो बैटरी है उसको कंपनी के एप्लीकेशन चार्ट के थ्रू ही लगाएं, ऐसे इधर उधर बैटरीज को ना लगाएं। कई लोग क्या करते हैं कि जुपिटर के अंदर बड़ी बैटरी लगती है और वहाँ पर ही छोटी बैटरी लगा देते हैं जस्ट इसलिए दिखाने के लिए कि कस्टमर को ये लगे कि हमने उनको सस्ती बैटरी दी है। बट इस चीज़ का ज़रूर याद रखें कि आपकी बाइक या फिर स्कूटी के अंदर जो बैटरी लगी हुई है हमेशा उसी
एप्लीकेशन वाली बैटरी को ही बाय करें, वरना आपको वारंटी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं, वेंट कवर। कवर अगर आप फोर्सफुली ओपन करते हैं तो वहां पर भी आपको वारंटी नहीं दी जाएगी। कई लोग कहते हैं कि भाई हम इसको खोल के पानी डाल देते हैं, ये खुल जाता है। मैं एग्री करता हूँ कि ये खुल जाता है, बट इसको कंपनी ने टैम्पर करने के लिए मना किया हुआ है। कंपनी इसको जीरो मेंटेनेंस के अगर चलती है और इसके अंदर पानी नहीं डलता है, तो आप लोग भी ऐसा ना करें। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपकी जो वारंटी है वो वॉइड हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, अगर आपने इसके अंदर पानी डाल दिया है या एसिड एडिटिव डाल दिया है, तो भी आपको वारंटी नहीं मिलेगी। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग कहते हैं कि इसके अंदर पानी डल जाता है, एसिड डल जाता है, डल जाता है, बट कंपनी ने इसमें डालने के लिए मना किया हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वारंटी आपकी वॉइड हो जाएगी। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं, अगर बैटरी खराब होती है आपकी एडिशनल फिटमेंट या फिर एसेसरीज करवाने की वजह से, जो कि ओरिजिनल फिटमेंट से अलग है, मतलब कि अगर आपने बाइक के अंदर एडिशनल एसेसरीज लगाई हुई हैं, हाई वोल्टेज वाले आपने बल्ब्स लगवाए हुए हैं या फिर हॉर्न्स लगवाए हुए हैं, तो आपको वारंटी नहीं ऑफर की जाएगी। सो इस चीज़ का ज़रूर याद रखें, क्योंकि जो लोड है वो बैटरी के ऊपर पड़ता है और बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है, इसीलिए ऐसा कंपनी की तरफ से कहा गया है। नेक्स्ट चीज़ आती है, अगर बैटरी किसी भी तरीके से डैमेज हो जाती है, मीन्स कोई फिजिकल डैमेज हो जाता है बैटरी के साथ, गिर जाती है आपसे, टूट जाती है, फूट जाती है, या फिर इसके जो टर्मिनल्स वगैरह हैं, जो इसके पोल्स हैं, अगर वो डैमेज हो जाते हैं, तो भी आपको वारंटी नहीं ऑफर की जाएगी। सो इन चीज़ों का भी आप ज़रूर याद रखें। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इस चीज़ को ज़रूर याद रखें। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बैटरी को मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रिशियन से बाय कर लेते हैं, जो कि ऑथराइज नहीं है सेल करने के लिए, और वो क्या करते हैं, सिर्फ बैटरी को ही दे देते हैं, ना वो कार्ड को भरते हैं, ना ही आपको बिल ऑफर करते हैं। सो ऐसी गलती कभी भी ना करें। कंपनी ने भी साफ साफ कहा गया है कि अगर आपके पास कोई भी वारंटी कार्ड नहीं है या फिर बिल नहीं है और इसके अंदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फिल आउट नहीं है, तो आपको वारंटी नहीं दी जाएगी। यहाँ पर आप साफ पढ़ सकते हैं कि जो वारंटी है डज नॉट कवर, अगर आपके पास कोई भी कार्ड नहीं है या फिर आपके पास बिल नहीं है, तो आपको वारंटी ऑफर नहीं की जाएगी। सो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपके पास जो वारंटी कार्ड है और जो बिल है डीलर का, वो आपके पास जरूर होना चाहिए टू वैलिडेट दिस बैटरी। सो गाइस, ये थे सारे ही पॉइंट जो कि वारंटी के अंदर कवर अप होते हैं और क्या वारंटी के अंदर कवर अप नहीं होते। होप करता हूँ मैंने आप लोगों को सारे इनडेप्थ बता दिए हैं और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी ये वीडियो। साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे अपकमिंग वीडियोस आप लोगों को मिल सके। और साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।